हमारे विनिंग कैप्टन मिस्टर शाहिद आज यहाँ पे पांदश प्रीमियर लीग जो कास्को बॉल का टूर्नामेंट था और बहुत ही शान से हुआ था और आप देख रहे हो जोग दर जोग नौजवानों ने पार्टिसिपेट की और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने इनके साथ एसोसिएटेड विद किया और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन का भी मुद्दा मकसद यही है कि वॉइस ऑफ यूथ बने कि जवान आज जो है गलत रास्तों पे सोशल इवल्स यानी कि ड्रग्स में मुबतला है और जगह जगह हमारा पैगाम यही रहता है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन को एक सोच हो के कि नौजवानों का जो चाहे स्पोर्ट्स का हो चाहे क्रिकेट का हो चाहे भी एजुकेशन का फील्ड हो हम उसमें रूबरू उनके साथ जाते हैं और उनको सपोर्ट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने आज इनिशिएटिव ले लिया, यहाँ पे बिग एक टूर्नामेंट कास्को और लेदर बॉल का खेला जाएगा और इसका भी हमने ये किया और आपने देखा दोनों टीम में बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बेस्ट इन्होंने अच्छा दिखाया कि जो ये कर पाते और मुझे लग रहा है कि ऐसे टूर्नामेंट्स जम्मू कश्मीर में ब्लॉकों में डिस्ट्रिक्टों में होने चाहिए और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को भी गुजारिश करना चाहता हूं कि यहां पे सारे जवानों ने मुझे डिमांड्स रखे कि ग्राउंड का हो कि जल्द से जल्द आपकी माध्यम से मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेटरों को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूं कि खुद भी मैं पर्सनली मिलने जाऊंगा कि पांदच का यूथ जो है वो ड्रग्स के बहुत दूर है मगर उनको ग्राउंड चाहिए, उसमें हम काम ज़रूर करें। आज जो हेल्थ इशू आ रहे हैं जो भी सपोर्ट्स में होता है कि वो हेल्थ उनके पास अच्छा रहता है और जो ड्रग तो क्लियरली होता है ड्रग वो तो करते नहीं हैं तो जिन पे हमें माध्यमिक यूनिट्स क्लब्स एस्टेब्लिश यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी गवर्नमेंट कर रही है इनिशिएटिव तो ज़्यादा करने चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत है नौजवानों को क्रिकेट और टूर्नामेंट्स देने चाहिए। मैं डीजी साहब का बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने तत्काल बेस पे आज आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर पुलिस आप जगह जगह देख रहे हो कि जहाँ पे ड्रग्स के माध्यम और जो ड्रग पेल्टर्स है उनको आज आप देख रहे हो कि मीडियम से हम देख रहे हैं कि आज जोग दर जोग उनको रेड्स पड़ती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि पुलिस की माध्यम से भी आप उनको मत पकड़े जो इनोसेंट्स है, उनको पकड़े जो मेन ड्रग्स लाते हैं यहाँ और उनको सख्ती से सख्ती सज़ा दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का भी जो अहम रोल इन चीज़ों में करते हैं। तो अपने यूथ के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें 16 टीम ने शिरकत ली थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने टीम ने हमारे अपने मोहल्ले की टीम गनीशा लेवन ने ये कप जीत लिया। तो अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ यहाँ से इलाहीबाग से लेकर गांधरपुर तक हमें कोई भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोचें। कि जब इनका विंटर वैकेशन अनाउंस हो गया तो मैंने देख लिया बहुत सारे लड़के यहाँ पे गलत चीज़ों के साथ मुब्तला थे, ठीक है। तो वो एक सोच दिमाग में आ गई कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह ये बहुत ही अच्छे से इख्तिताम हुआ और थैंक्स टू मिस्टर बिलाल अहमद परे जिन्होंने हमारा फाइनल यहाँ पे स्पॉन्सर कर लिया। और आगे हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा सोच ले, यहाँ पे ग्राउंड की बहुत कमी है, बहुत कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने छोटे बच्चे हैं जिनका कोई प्लेइंग के लिए कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, ये अभी लोगों के ज़मीनों पर खेल रहे हैं। तो इससे बेटर है कि अगर गवर्नमेंट सोच तो दैट विल बी मोस्ट काइंडनेस। बहुत सारा क्राउड आ गया था थैंक्स टू ऑल द क्राउड जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया हमको, ये टूर्नामेंट इख्तिताम पे आ गया। यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स से दूर रहिए, इवल चीज़ जो भी है सोसाइटी में उससे दूर रहिए। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है हमसे इन्हीं एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाइए, दैट इज़ गुड फॉर आवर फ्यूचर एज वेल एज हमारी हेल्थ के लिए भी।